नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑटो जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ी है ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा का ZXi SCNG वेरिएंट आज आपके सामने खड़ा है। ZXi प्लस यानी कि दोस्तों सेकंड जो टॉप वेरिएंट आज आपके सामने खड़ा है वो भी दोस्तों CNG में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की बात कर लेते हैं। ब्लू ब्लू कलर की थोड़ा सा जो है आप फिनिशिंग मिल जाती है, दोनों ही रिमोट की मिलने वाली है। तो लॉकर लॉक के लिए खाली बटन मिल जाते हैं देखने के लिए। और वहीं एक्सोरूम प्राइस की बात करूं तो 12,15,000 जो है इसका एक्सोरूम पड़ जाता है आपको। CNG में दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, यहां से देखोगे तो CNG वगैरह में दोस्तों आई है तो पर कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। खाली जो CNG टैंक है गाड़ी में वो देख सकते हैं दोस्तों इंस्टॉल कर दिया गया है। फ्रंट से देखो तो कुछ तरीके आपको जो लुक मिल जाती है। ZXi वेरिएंट है यानी कि जो सेकंड टॉप है, कुछ तरीके आपको जो है हेडलाइट मिल जाती है, डुअल बैरल LED प्रोजेक्टर मिलेंगे और ये कुछ तरीके आपको जो है इसमें DRL मिल जाती है देखने के लिए, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ से देख सकते हैं थोड़ी सी दोस्तों गाड़ी गंदी हो रही है, बस उसे इग्नोर करना क्योंकि अभी अभी जो है स्टॉक यार्ड से निकल के आई है। और कोई चेंज नहीं है, 12,15,000 जो है इसका एक्सोरूम है। खाली जो 48 लीटर फ्यूल के जो कैपेसिटी के साथ जो CNG टैंक है ओवरऑल बूट में वो जो है प्लेस कर दिया गया है। दोस्तों CNG में पहले से ही कई गाड़ियां जो है आती रही हैं शुरू से ही, और वो दोस्तों एक जो दिल खुश करने वाली जो एक सेटिस्फेक्शन वाली बात रहती थी ना कि हाँ मेरे पास CNG में भी गाड़ी है और जो गाड़ी मैं चाहता था वही है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो दोस्तों अब मारुति सुजुकी को ले लो, हर ब्रांड है वो अपनी अपनी गाड़ियों को यानी कि स्टार्टिंग सेगमेंट की गाड़ियों को CNG में जरूर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों मारुति ने जो किया है ना वो काफ़ी बेहतरीन है, लोगों के दिलों पर राज कर रही है क्योंकि दोस्तों एक प्रीमियम सेगमेंट में ग्रैंड वितारा जब से CNG में आई थी जब से थोड़ा सा जब लोगों को खुश किया मारुति ने, अब एक दोस्तों जो ब्रेजा 21-22-23 दोस्तों उसमें भी ब्रेजा दोस्तों नंबर वन गाड़ी रही थी अपने टाइम पे जब से दोस्तों लॉन्च हुई थी गाड़ी। तो अब ये जब से दोस्तों ये फेसलिफ्ट आया है ना यानी कि इसे दोस्तों लोगों ने इतना प्यार दिया था, पर अब दोस्तों मारुति ने इसे CNG में और उतार दिया, तो अब तो दोस्तों कोई कह ही नहीं सकता कि कोई दिक्कत भी है क्योंकि मारुति सुजुकी दोस्तों अब हर दिलों पर राज कर रही है। तो ब्रेजा जैसी गाड़ी दोस्तों जो लोगों के दिलों पर हर टाइम जान बनी रहती थी यानी कि एक कॉम्पैक्ट साइज एक SUV की रोड प्रेजेंट मान लो किसी वजह से डाउनग्रेड नहीं गई, हर तरीके से दोस्तों ये अपग्रेड ही गई है। तो अब CNG में आ गई है तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एरिया माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों 25 KMPL की जो है कंपनी क्लेम कर रही है, तो वो आपके ऊपर है आप कितना जो है माइलेज गाड़ी से निकाल सकते हो। कम मारुति सुजुकी ने काम कर दिया है आपके सामने, CNG में गाड़ी ला के खड़ी कर दी है, तो आपके हाथ में कैसे आप एवरेज निकालते हो CNG पे। इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर का ये मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने खड़ी है। थोड़ा सा दोस्तों BHP और टॉर्क जो है पावर थोड़ी सी डाउनग्रेड गई है क्योंकि CNG में, तो वहीं बात करूँ BHP और टॉर्क हीट तो 81 BHP आपको इसमें मैक्सिमम पावर मिल जाती है, और वहीं बात करूँ मैक्सिमम टॉर्क हीट तो 121 यानी कि 121 Nm ऑफ इसमें आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। पहले अगर इसकी पेट्रोल पर बात करूँ तो आपको 102 BHP और 136 Nm का टॉर्क जो है निकाल के देती थी, तो CNG में थोड़ा सा डाउनग्रेड गया। तो ओवरऑल ऐसा है सिस्टम, ठीक है। ZXi वेरिएंट है तो इसमें आपको फॉग लाइट वगैरह तो देखने के लिए नहीं मिलती। तो साइड प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ से देख सकते हैं डायमेंशन इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं है, वही 25 mm आपको गाड़ी का व्हील बेस मिल जाता है, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 198 mm जो है वहीं ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो एक मिड साइज SUV में दोस्तों ब्रेजा शुरू से ही नंबर वन रही है, उस बात में कोई दोहरा ही नहीं है। तो अलॉय व्हील्स वगैरह आपको जो है इस कुछ इस तरीके के ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाते हैं। हमारे ब्रांड के टायर जिसके प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/60R16 ये फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, उसे इग्नोर करना बस, आप ब्रेजा की फीलिंग्स को समझिए जो कि CNG के साथ आ चुकी है। दोस्तों आपके से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो मेन जो टॉपिक है वीडियो में बताने का कि गाड़ी CNG में आ गई, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे RVM वगैरह आपको जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, फोल्डेबल तो नहीं मिलेंगे, इसी में आपको जो इंडिकेटर जो है प्लेस मिल जाता। तो यहाँ देख सकते हैं ड्राइवर साइड पे डोर पे भी आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपकी अंदर जाने के लिए और इजीली करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ तरीके का आपका जो है इंटीरियर मिल जाता है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, CNG और पेट्रोल में स्विच करने के लिए आपको जो है बटन यहाँ पे प्रॉपर दे दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं उस तरीके का ओवरऑल आपको जो है इंटीरियर मिल जाता है देखने के लिए। तो आपने काफी वीडियो यानी कि ब्रेजा को दोस्तों आपने शुरू से ही देखते आ रहे हो, तो मेन जो टॉपिक है वो है CNG में आ गई है उसे दिखाना, और मैं आपको जो है एक बार इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ कि इग्निशन जब ऑन होता है तो किस तरीके से जो है मीटर कंसोल में CNG वगैरह दिखाता है आपका। तो अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो CNG के लिए एक अलग ही जो है दोस्तों एनालॉग बना दिया छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ देख सकते हैं CNG के लिए वो दिया गया है, और इधर साइड यानी कि इधर साइड आपको जो है पेट्रोल के लिए इंडिकेट करेगा, ठीक है। बीच में आपको जो है लंबी सी MID मिल जाती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसे बोलते हैं, और राइट लेफ्ट में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, राइट में आपको स्पीडोमीटर 0 to 220 तक की इसमें टॉप स्पीड दी गई है, और स्टेयरिंग वगैरह आप देख सकते हैं फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग मिल जाता है। ZXi वेरिएंट है तो इसमें आपको जो है वॉल्यूम रॉकर्स और क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो 7 इंच की टचस्क्रीन इंटरनल सिस्टम मिल जाता है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वगैरह जो सपोर्टेबल है तो ये सपोर्ट करती है। इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट
कंट्रोल एसी मिल जाता है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सिस्टम, तो यहाँ से देख सकते हैं 12,15,000 रुपए इसका एक शोरूम है। आपका स्टेट वाइज ऑन रोड अलग अलग होगा, तो आप वो चेक कर लेना, ठीक है। सीएनजी में तो ये आपका जो है आ गया स्टिकर, इसी का इंतजार था। और ऊपर देखोगे दोस्तों ZXi वेरिएंट है, तो इसमें आपको जो है नॉर्मली सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ब्रेजा जब से सनरूफ में आई थी, जब से भी इसने बहुत हाइप बनाई थी, तो सनरूफ भी आपको गाड़ी में मिल जाता है दोस्तों। आजकल सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल कर रही हैं जो ब्रांड्स हैं। तो इसे खोलते हैं रियर को, तो आप देखिए दोस्तों रियर से देख सकते हैं कुछ तरीके का आपको जो है वो ओवरऑल यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है देखने के लिए। तो सारा कुछ आपने देख ही रखा, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपका टाइम ख़राब नहीं होने दूंगा। तो चलिए आप दिखाता हूँ आपको मैं सीएनजी टैंक की, सीएनजी टैंक किस तरीके से जो है मारुति सुजुकी ने फिक्स किया है ब्रेजा में, ठीक है। तो इसे करते हैं वॉलेट को ओपन। तो सीएनजी टैंक आप यहाँ से देखोगे तो कहीं आपको दिखने नहीं वाला है, तो यहाँ देख सकते हैं बूट स्पेस आपको कुछ तरीके का दिख रहा होगा, कहीं भी आपको जो है सीएनजी टैंक देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा इस पार्सल ट्रे को हटाओगे तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों 45 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ जो है सीएनजी टैंक जो है यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स कर दिया गया है। तो और दोस्तों एडजस्ट यानी कि जो इंस्टॉल कुछ इस तरीके किया है कि आपको जो है दूर से दिखेगा ही नहीं कि गाड़ी में सीएनजी भी है। अगर इन स्टिकरों को हटा दो तो आप कोई कह ही नहीं सकते दोस्तों बूट खोल के भी कि गाड़ी में सीएनजी टैंक भी फिट है। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ तरीके का आपको जो है यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया, तो कुछ बढ़िया जो है सेटलमेंट की गई है सीएनजी टैंक की। यहाँ पे आपको जो है सीएनजी टैंक मिल जाता है, ये आपकी पार्सल ट्रे हो गई। और ये है देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो कनेक्शन वगैरह दिए गए हैं। और दोस्तों ब्रेजा में एक अच्छी चीज़ जो कि मारुति सुजुकी ने की है, जो कि इन्होंने स्विफ्ट में गलत की है, तो वो देख सकते हैं नोजल है जो यहाँ से आप सीएनजी फिल करेंगे वो आप यहाँ से ही फिल कर सकते हैं। तो स्विफ्ट की तरह फ्यूल टैंक है उसे, और ओपन करके दिखाता हूँ कि सीएनजी का जो है नोजल वगैरह कहाँ पे दी गई है। सीएनजी के नोजल की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ से आप दोस्तों आप जो है पहले से ही जो है पेट्रोल फिल करते आए थे वहीं पे साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो है सीएनजी का भी नोजल दे दिया। तो ये देख सकते हैं सीएनजी नेचुरल गैस जो स्विफ्ट की तरह साइड में नहीं दिया काला टीका सा, तो ये काफ़ी बेहतरीन सिस्टम देख सकते हैं मारुति सुजुकी ने ब्रेजा में किया है। तो यही होना था तो वही किया है। तो ये देख सकते हैं ओवरऑल सिस्टम। और इंजन की मैंने आपको बताई दी थी 1.5 लीटर का इनलाइन फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ सीएनजी पे तो 81 bhp, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 121 यानी कि 121 Nm आपको इसमें टॉर्क देखने के लिए मिल जाती है सीएनजी। तो सीएनजी में थोड़ा सा डाउनग्रेड गया है, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको फ्यूल एफिशिएंसी जरूर मिलेगी देखने के लिए। 25 kmpl की जो है माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा जो है रेट जरूर बढ़ेगा जो सारे वेरिएंट्स पे, जो जो आप सीएनजी में एस सीएनजी में लेना चाहोगे एक बार जो है पैसा लगाना, फिर आपको जो है दोस्तों माइलेज वगैरह की टेंशन खत्म है, यानी कि माइलेज वगैरह की टेंशन लेनी नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप कंसीडर कर सकते हो मारुति सुजुकी ब्रेजा को। बेस वेरियंट से दोस्तों टॉप वेरियंट है यानी कि LXi से लेकर ZXi तक दोस्तों सारे ही वेरियंट्स में जो आपको सीएनजी देखने के लिए इस गाड़ी में मिलने वाली है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, आई होप आपको जो है समझ में आई होगी। मिलते हैं इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।